सीएम योगी जिस तरह से हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उसी लाइन पर बीजेपी के दूसरे नेता भी चल रहे हैं। सीएम योगी बटोगे तो कटोगे की बात करके हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से हिंदुओं को कह चुके हैं कि भाई दूसरों की जातियों की तो बात नहीं होती, तुम्हारी जातियों की बात होती है, तो आप बटोगे तो महफिल कोई और सजाएगा। और मोदी योगी का ये जो बयान है, ये जो नारा है, ये जो लाइन है, इस पर बीजेपी के तमाम नेता प्रयास करने लगे। गिरिराज सिंह भी हिंदुओं को संगठित करने में जुटे हुए, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू की थी, जिसका पहला चरण आज बिहार के किशनगंज में खत्म हुआ। गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू की, जो कटिहार, अररिया, पूर्णिया से होते हुए किशनगंज में आज खत्म हुआ। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये यात्रा का पहला चरण था और यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक वो हिंदुओं को संगठित नहीं कर लेते। जब तक हिंदुओं को संगठित न कर लो और कोई दुश्मन हमारी बेटी की तरफ आंख उठा के न देखे तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। बोलिए हरा हरा महादेव। गिरिराज सिंह बिहार में हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं, सीएम योगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। यूपी में उपचुनाव से पहले आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ आज योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा आए हुए हैं, वहीं पर सीएम योगी ने उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे की मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनावों को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि यूपी में संघ ने हाथ खींच लिया है, जिस वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। हालांकि ना ही बीजेपी और ना ही संघ की तरफ से कोई बात सामने आई थी। अब मथुरा में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सीएम योगी की मुलाकात ने सारे नैरेटिव तोड़ दिए और उपचुनाव में इस मुलाकात का असर दिख सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि संघ ने हरियाणा में जिस तरह से जमीन पर काम किया, उसने हरियाणा में बीजेपी के लिए बाजी पलट दी। अब संघ यूपी में भी प्रयास कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो। यह तो साफ हो गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है और इस काम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बीजेपी की मदद कर रहा है। संघ के सहयोग से ही बीजेपी ने हरियाणा में हारी हुई बाजी जीत में बदल दी थी। आरएसएस ने हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ जो भी माहौल था उसे शांत करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब महाराष्ट्र में संघ एक्टिव हो गया। संघ किस तरह से महाराष्ट्र में काम कर रहा है वो भी देखिए। संघ ने 60,000 से ज्यादा छोटी बैठकें करने का फैसला लिया है। ये बैठकें सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित की जाएंगी। राज्य के लोगों तक बात पहुंचाने के लिए टोलियां बनाई गई हैं। हर टोली में 5 से 10 लोगों के ग्रुप के साथ बैठकें कर रही हैं। समाज के हर वर्ग के साथ बैठक में बात की जाएगी। ओबीसी, एससी, एसटी समाज में माइक्रो मैनेजमेंट शुरू होगा। ओबीसी की 353 उपजातियों के लिए कार्यक्रम चल रहा है, एससी की 59 और एसटी की 25 उपजातियों के लिए कार्यक्रम हो रहा है। 29 घुमंतू जातियों के लिए भी अलग से कार्यक्रम चल रहा है। बैठकों में सीधे तौर पर बीजेपी के समर्थन की बात नहीं करते हुए देशहित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास के मुद्दों पर बात हो रही है। यानी ग्राउंड पर इतने माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट संघ की खासियत है और इसका असर हरियाणा में ऑलरेडी दिख चुका है। अब महाराष्ट्र में भी संघ के उतरने का असर दिखने की पूरी उम्मीद। संघ अपनी तरफ से तो काम कर ही रहा है, साथ ही बीजेपी को कुछ नसीहतें भी दी हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ ने बीजेपी को सलाह दी है कि बीजेपी नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाए, मुंबई और विदर्भ इलाके में बीजेपी अंतरकलह को रोके, चुनाव के दौरान भीतरघात ना हो इसका ध्यान दे। संघ की सलाह पर बीजेपी ने काम शुरू भी कर दिया है। बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को पूरी अहमियत मिल रही है। यही बीजेपी की ताकत भी है कि वो अपनी गलतियों से सीखती है। लोकसभा चुनाव में जो भी हुआ उससे बीजेपी ने सबक लिया और उसका पहला नतीजा हरियाणा में दिख गया। अब महाराष्ट्र के लिए भी बीजेपी ने कमर कस ली। उधर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का विवाद अभी भी चल रहा है। अभी भी 15 से 20 सीटों पर इन लोगों में सहमति नहीं बनी है। मुंबई और विदर्भ की सीटों को लेकर विवाद बना हुआ है और सीट बंटवारे में देरी से नेताओं में नाराजगी है। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में दोपहर 3 बजे से बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अब यह भी कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे में देरी से इंडी गठबंधन के नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है कि कब सीट शेयरिंग होगी, कब टिकट बंटेंगे, कब प्रचार शुरू होगा। बॉस, दूसरे ने काम शुरू कर दिया, दूसरे ने प्रचार शुरू कर दिया, दूसरा माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है, कैंडिडेट घोषित कर रहा है। इंडी अलायंस में अभी वही नहीं हो पा रहा, फिर हारेंगे तो ईवीएम को गाली देंगे। खैर, महाराष्ट्र चुनाव में किसका केक कटेगा ये तो बात की बात है।
लेकिन आज एक केक अमित शाह भी काट रहे हो, क्योंकि आज अमित शाह का जन्मदिन है और इसलिए अमित शाह के जन्मदिन पर शाह से चाणक्य बनने तक का उनका अनसुना चैप्टर लाया हूं।